तो दोस्तों वीडियो आगे कंटिन्यू हो रही है। तो जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट में पूछना, ऐसे वीडियो के थ्रू नहीं तो आपको कमेंट के थ्रू आपको ज़रूर मिलेगा इसका आंसर। तो देखो यार, मैंने एक वीडियो बनाई थी बिग प्रॉब्लम ऑफ फॉर बजाज पल्सर 220। तो एक ने नीरज जी ने का मैसेज किया कि उन्होंने बोला कि मेरी जो पल्सर 220 है वो 21 का माइलेज दे रही है। नहीं, पल्सर 220 किसका माइलेज नहीं दे सकती। मैं भी अगर मुझे भी कोई ये बात कहे कि पल्सर 220 21 का माइलेज नहीं, अगर तो अब 21 का माइलेज देने का मतलब यह है कि उस बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कम से कम वो बाइक आपको 30 से 40 तक का माइलेज देगी। एक टाइम पे बहुत अच्छा माइलेज निकालती थी वो पल्सर 220 बाइक। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो अभी भी उसका इंजन बहुत प्यारा इंजन है उस बाइक का। तो अगर आपको दे रही है तो भाई आपकी बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो अगली जो हमारा जो कमेंट है वो ये कमेंट है कि कैलाश जी ने मैसेज करा है कि भाई मेरी ग्लैमर का इंजन बहुत हीट होता है। अगर आपकी ग्लैमर का इंजन हीट हो रहा है तो आपको उसके अंदर इंजन ऑयल बदलना पड़ेगा। तुरंत इंजन ऑयल बदल दो, आपकी बाइक के अंदर गलत इंजन ऑयल डल गया। एक रीज़न इंजन ऑयल का भी होता है, दूसरा रीज़न ये होता है कि क्या पता आपकी जो बाइक है वो कहीं ना कहीं से ऑयल उसका लीक कर रहा हो। और रही बात अगली बात, तो इसके अंदर ये है कि क्या पता आपकी बाइक की जो टैपेट है वो भी आपके बाइक के टैपेट ढीले हो, जैसे वो टिक 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 की आवाज़ कर रही हो। तो ये रीज़न है। और मुझे एक मैसेज किया है, ये क्या नाम था, हाँ राम जी ने, राम इनका नाम है। तो इन्होंने बोला है कि आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी है, हमें काफ़ी पसंद आती है। तो थैंक यू भाई, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है थैंक यू। मैं बहुत अब बस आप ही के वीडियो बना रही है। एक और है, मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर बिग प्रॉब्लम फॉर बजाज प्लेटिना 110 के अंदर। तो इन्होंने कहा था, रॉक स्टार इनका नाम है भाई, नाम भी दे दिया करो तो अच्छा लगता है। तो इन्होंने कहा था, नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर, आप ही के लिए बन रही है वीडियो। तो दिनेश जी ने मुझे एक मैसेज किया था कि भाई क्या हम प्लेटिना को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। भाई ऐसी कोई बाइक नहीं जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप विक्की तक को मॉडिफाई कर सकते हो। कोई भी बाइक हो, कोई भी स्कूटी हो, कुछ भी चीज़ हो, आप मॉडिफाई करो। अगर आप चाहते हो उस बाइक को मॉडिफाई करना तो वो हो सकती है। प्लेटिना भी मॉडिफाई हो सकती है, जैसे ग्लैमर होगी वैसी आपकी प्लेटिना भी होगी। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, वायरिंग का बस कलर का फ़र्क रहता है और कोई फ़र्क नहीं रहता। यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम विद सॉल्व, इन्होंने मुझे मैसेज करा, इनका मैं समझा नहीं, शायद इनका भी खुद का यूट्यूब चैनल हो। तो इन्होंने मुझे मैसेज करा है कि क्या भाई बाइक की टंकी के अंदर पानी जाता है। हाँ भाई, बाइक की कोई बाइक की पेट्रोल की टंकी के अंदर बारिश का पानी जाता है, ये बारिश का पानी कहना चाहते हैं। तो हाँ भाई जाता है, लेकिन रीज़न ये होता है कि जैसे ग्लैमर है, ग्लैमर की टंकी के साइड में जहाँ पे आपने देखा होगा, जिसकी एक होती है टंकी ऐसे सीधी, जिसके अंदर टंकी के अंदर ही कैप लगा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपकी हमारी जो बाइक होती है उसके अंदर पानी जाता है, उसके अंदर पक्का पानी जाएगा। पानी जाने के लिए उसका जो होल होता है, वो होल कभी कभी क्या होता है, पेट्रोल बाहर गिर जाता है तो वो वहाँ पे सूख जाता है। सूखने की वजह से वो जो पेट्रोल होता है वो वहाँ से ब्लॉक से नीचे नहीं निकल पाता, या पानी वहाँ से नीचे नहीं निकल पाता, जो पानी नीचे निकलने के लिए होता है टंकी के अंदर चला जाए तो उस बाइक के अंदर नहीं जाता है, ठीक है, टंकी में पानी नहीं जाता। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लेकिन हाँ सॉरी, एक चीज़, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो, आपको आंसर मिलेगा। कमेंट में आंसर नहीं मिलेगा तो वीडियो के थ्रू आंसर मिलेगा, लेकिन आंसर मिलेगा जरूर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो करना है वो करेंगे, हमारे दिमाग मत खराब करो, क्योंकि हमारे साथ दिमाग नहीं खराब करना। ओके बाय।